हेलो टेलियस, कैसे आप सब लोग दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश का इंपॉर्टेंस बताने वाला हूँ। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप अपने इंग्लिश को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये सब बताने वाला हूँ। इसमें तीन मेन पॉइंट बताने वाला हूँ। तीन मेन पॉइंट में क्या क्या रहेगा दोस्तों, अगर आप ट्वेल्थ पास आउट स्टूडेंट या फिर ट्वेल्थ पास करने वाले हो और आपकी इंग्लिश वीक है तो उसके लिए बताने वाला हूँ दोस्तों। सेकेंड, आपका कौन कौन से डिपार्टमेंट में इंग्लिश का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है वो बताने वाला हूँ। और जो थर्ड पॉइंट है ना मेनली, उसमें आप अपनी इंग्लिश को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसके कुछ आइडिया या फिर बोल सकते हैं कि टिप्स बताने वाला हूँ। दो तीन टिप्स बताऊँगा जो कि इंप्रूव कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले नंबर पे आता है हमारा ट्वेल्थ स्टूडेंट वालों के लिए, जो ट्वेल्थ है, ट्वेल्थ में है और एचएम करने का सोच रहे हैं उनके लिए। अगर आपकी इंग्लिश वीक है ना दोस्तों, तो आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि आपको एग्ज़ाम क्लियर हो जाओगे, हर एक चीज़ कर लोगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप डिपार्टमेंट में जाओगे तो वहाँ आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए जिससे आप अपना इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, और वहाँ पर जो मैनेजर्स रहते हैं उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए आपके लिए बहुत इंग्लिश की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आप इंग्लिश को इम्पोर्टेंस दीजिए और सीखना स्टार्ट कीजिए। सीखना स्टार्ट मतलब धीरे 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 अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना सीखिए। ये करेंगे ना तो आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। और आप ट्वेल्थ पास है, आपको इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती, तो भी आप होटल मैनेजमेंट एकदम आराम से कर सकते हो, किसी भी कॉलेज से जाके कर सकते हो, क्योंकि कॉलेज वाले को एडमिशन चाहिए रहता है तो वो लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप अपनी इंग्लिश खुद से इम्प्रूव कीजिए। दूसरा पॉइंट आता है कि इंग्लिश का कौन कौन से डिपार्टमेंट में यूज़ होता है। तो इंग्लिश का मेनली देखा जाए ना तो तीन डिपार्टमेंट में यूज़ होता है। फ्रंट ऑफिस हो गया, जिससे गेस्ट से आपको सामने टू सामने कम्युनिकेट करना रहता है, वहाँ इंग्लिश का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। दूसरा हो गया हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग का इसलिए ना कि रूम, आप रूम अटेंडेंट है, रूम सुपरवाइज़र है, तो आपको ऊपर जाना पड़ता है फ्लोर पर। तो फ्लोर पर जाना मतलब गेस्ट से कम्युनिकेट करना रहता है, अगर कुछ प्रॉब्लम रहा गेस्ट को, गेस्ट फॉरेनर रहे तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो उसके वजह से आपको इंग्लिश को बहुत ज़्यादा नीडेड रहता है हाउसकीपिंग में। थर्ड आएगा फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट। तो फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में तो आपका पूरा एरिया आ जाता है ना, जैसे बैंक्वेट्स हो गया, कोई फंक्शन है, तो अगर किसी फॉरेनर गेस्ट ने पार्टी दिया तो आपको कम्युनिकेट करना ज़रूरी है गेस्ट से। तो अगर आपका इंग्लिश अच्छा नहीं रहा तो कैसे आप कम्युनिकेट कर सकते हो। दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारा रूम सर्विस। रूम सर्विस में भी आप गेस्ट से जाके इंटरेक्ट करते हो, फेस टू फेस बातें करते हो। अगर गेस्ट को इंग्लिश आती है, इनकेस हिंदी नहीं आती है, थोड़ी बहुत आती है, फिर आती ही नहीं, तो आप कैसे करोगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है इंग्लिश का। तीसरा आ गया दोस्तों हमारा रेस्टोरेंट्स वगैरह। रेस्टोरेंट्स में बहुत सारे गेस्ट आते हैं, बहुत सारे आउट ऑफ इंडिया के और इंडियन भी गेस्ट आते हैं जो इंग्लिश स्पीक ज़्यादा करते हैं, तो वहाँ पे आप उनको कम्युनिकेट नहीं कर सकते ना, मेनू एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, कोई डिशेस है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और चौथा डिपार्टमेंट में आता है हमारा फूड प्रोडक्शन। तो फूड प्रोडक्शन में ऐसा भी नहीं है कि आपको इंग्लिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लाइव काउंटर पर है तो गेस्ट से इंटरेक्ट करना पड़ता है, तो कहीं कहीं बहुत कम हिस्से में बोल सकते हैं या फिर एक कम पोर्शन में बोल सकते हैं कि इंग्लिश आपको फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए भी आनी चाहिए। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि इंग्लिश का कितना इंपॉर्टेंस है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितना कितना यूज़ किया जाता है, तो यह इम्पॉर्टेंस है। थर्ड पॉइंट और जो कि लास्ट पॉइंट है, इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए। तो आप YouTube पे बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं कि इंग्लिश इम्प्रूव करने का क्या क्या तरीके हैं। इसमें मुझे जो पर्सनली अच्छा तरीका लगता है, पहले तो मैं ग्रामर करता हूँ। ग्रामर करने का इन द सेंस कि अगर आप ग्रामर पढ़ोगे ना तो आपको कुछ कुछ चीज़ों का यूज़ करना आ जाएगा। यूज़ करना मतलब कुछ कुछ वर्ड्स है, विल का यूज़ कहाँ होगा, हैव हैज़ का यूज़ कहाँ होगा। अगर आपकी इंग्लिश ज़्यादा वीक है, तो मेरी ज़्यादा वीक थी, तो मैंने इम्प्रूव करने के लिए ये सबसे स्टार्ट किया, तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जहाँ पर आप टेंसेस और ग्रामर की हेल्प से आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हो। दूसरा पॉइंट आता है इंग्लिश इम्प्रूव करने का, आप टीवी शोज़ दे सकते हो। इंग्लिश के टीवी शोज़ रहते हैं वो देखो, न्यूज़ देखो, मूवीज़ देखो, नेटफ्लिक्स पे से मूवीज़ देखो, अमेजोन प्राइम से जितने भी इंग्लिश मूवीज़ हो गए, सॉन्ग्स हो गए, ये सब देखो, सुनो। सुन के ना अपना एनालाइज करो कि कैसे वर्ड यूज़ किया जाता है, कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, तो यहाँ से आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हो। तीसरा पॉइंट आता है, आप अपने घर में कम्युनिकेट करो। घर में मतलब बहुत सारे लोग पढ़े लिखे रहते हैं, तो उनसे आप थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोल सकते हो। आप अपने सराउंडिंग एरिया, जैसे आप होटल मैनेजमेंट के कॉलेज में हो, तो वहाँ से अपने फ्रेंड लोग के साथ, टीचर लोग के साथ इंग्लिश बोलो। टूटा फूटा इंग्लिश बोलते हो बोलो, लेकिन बोलो। वर्ड का यूज़ करना अगर कोई अच्छा रहेगा तो आपको इम्प्रूवमेंट बताएगा कि भाई ये नहीं, ये वर्ड यूज़ किया जाता है। मैं भी ऐसे ही था, जब मैं कॉलेज लाइफ में था तो मुझे इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती थी, हालांकि अभी भी ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन कॉलेज लाइफ में था तो मैं मेरे जो इंग्लिश मीडियम के दोस्त थे उनके साथ कम्युनिकेट
कम्युनिकेट करता था, तो आप भी उनके साथ कम्युनिकेट करो, बात करो, किससे, इंस्टाग्राम पे हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप पे हो गया, चैट करो तो आप इंग्लिश में चैट करो, आप अपने मन से चैट करो, इंग्लिश में उनसे बात करो। थोड़ा बहुत उनको ऑकवर्ड लगेगा या फिर आपको ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन उससे नहीं मतलब, आप सिर्फ अपना इंग्लिश इंप्रूव करने पे फोकस करो। और मैं यही कहूँगा कि इन्हीं तरीकों से आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है। अगर आपको ज़्यादा इंप्रूव करने तो आप इंग्लिश सॉन्ग सुनो, सॉन्ग के लिरिक्स पढ़ो, उससे आपको पता चलेगा कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है, उनका मीनिंग क्या क्या रहते हैं। वहाँ से गेस्ट के साथ कम्युनिकेट करना सीखो, अपना कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्डअप करो, वर्ड को प्रोनाउंस कैसे किया जाता है वो देखो, कौन सा वर्ड डिफिकल्ट है, कौन सा वर्ड ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, उनको हम कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं गेस्ट के सामने, जिससे हमारा एक अच्छा रैपो बिल्डअप हो जाए गेस्ट के सामने। तो इन सब तरीकों से आप अपना इंग्लिश एकदम सुधार सकते हो दोस्तों। तो उम्मीद करूँगा कि इंग्लिश का इम्पोर्टेंस और आपको समझ में आया होगा कि इंग्लिश का इम्पोर्टेंस कितना है। और आप ना टेंशन मत लीजिए, अगर आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, आपको ज़्यादा इंग्लिश नहीं आता तो भी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बस आप थोड़ा इम्प्रूव कर लीजिए ताकि आप गेस्ट से बात कर सकते, इंटरव्यू क्रैक कर सके, फॉरेन जाने के चांसेस हो ना तो फॉरेन जा सके, वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट कर सके। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो वहाँ के लोग से कैसे इंटरेक्ट करोगे, तो ये भी ज़रूरत है। तो अगर आप ये वीडियो इंस्टा पे देख रहे हो तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों अभी के लिए इतना ही।